मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बहुचर्चित फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 से 2009 के बीच जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक की मर्जी नियुक्ति की शिकायत बाद 78 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति सामने आने के बाद उन्हें बर्खास्त किया गया था। अब जिला प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। कलेक्टर राजेश कौल के निर्देश पर जिले के सभी शिक्षकों के दस्तावेज नियुक्ति पत्र सत्यापित करने का आदेश दिया गया है। इसी के तहत पहले क्रम में बुरहानपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में 250 शिक्षक को जिला पंचायत कार्यालय में दस्तावेज और नियुक्ति पत्र सत्यापन करने के लिए तलब किया गया है। किस काम के लिए बुलाया आपको जिला पंचायत? यहाँ पर वर्ष 2006 और 7 में जो नियुक्त शिक्षक है अध्यापक सवर के, उनको यहाँ पर सत्यापन के लिए बुलाया है। लगभग कितने शिक्षक आ जाए? आज कम से कम 350 शिक्षक यहाँ पर जिला पंचायत में उपस्थित हुए हैं अपना नियुक्ति के संबंधी भी जितने भी जो दस्तावेज है उसका सत्यापन करने के लिए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि सत्यापन करना पड़े? भाई, जिला प्रशासन को ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पर जिले में कहीं ना कहीं जैसे फर्जी नियुक्ति हुई है, तो उसी की सत्यापन के लिए यहाँ पर आज सभी शिक्षकों के जो वर्ष 2006 और 7 के शिक्षक थे उनके अध्यापकों का दस्तावेजों का सत्यापन करें। जहां जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहन सक्सेना ने बताया कि चूंकि 2008 और 2009 में शिक्षकों की भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य सत्रों में शिक्षक की भर्ती हुई है, शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच की जा रही है। इसके बाद नगर निगम और जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत की गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और शिक्षकों के दस्तावेज की जाँच भी की जाएगी। देखिए, जैसे कि जिले में शिक्षा भर्ती के विषय में कुछ तथ्य सामने आए थे कि कुछ लोगों की फर्जी नियुक्तियाँ की गई हैं और उसी तारतम्य में कुछ एक FIR भी हुई थी और कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया था। तो हम लोगों ने जितनी भी भर्तियाँ इस दौरान हुई हैं इस जिले में सबको 100% सबको वेरीफाई करने का निश्चय किया है। इसी तारतम्य में आज 2006-07 में जितने शिक्षक भर्ती हुए थे उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है, उनके सबके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाई किए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ये लोग सही तरह से नियुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसमें अगर कुछ केसेस डाउटफुल मिलेंगे तो उसकी आगे जांच की जाएगी और अगर ये सत्यापित होता है कि ये नियुक्ति फर्जी है तो उसमें तत्काल टर्मिनेशन की और FIR की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार को बने हुए 17 दिसंबर को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और जिस तेजी से पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम किया है, जिस तेजी से, हम विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हमने ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं और ग्राम पंचायतों का समुचित विकास हो उसके लिए हमने ग्राम विकास योजना बनाने का भी काम शुरू किया है कि हमारे गाँवों में ऐसा कोई भी टोला मजरा नहीं हो जो सड़क विहीन हो, कोई ऐसा पंचायत नहीं हो जो पंचायत भवन विहीन हो, या जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश है, आपकी सरकार आपके द्वार माध्यम से जिस तरह से एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरुआत हुई है कि जिले के सभी प्रमुख अधिकारी गाँव में जाएं और गाँव के गाँव में ही लोगों की समस्या को सुने और वहीं के वहीं निराकरण करें, ये हम समझते हैं कि बहुत सार्थक पहल है। इसके साथ ही जिस तरह से हमने आजीविका मिशन को भी और सशक्तिकरण करने की कोशिश की है, जो हमारी महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, जो समूह जितने और बनने चाहिए नहीं बने थे और तेजी से बनने के निर्देश दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको गांव में समूहों के माध्यम से काम करने का अवसर मिले, उस दिशा में भी हमने काम करने का शुरुआत की है। हमारी पंचायत भवन खुले, वहां पे हमारे सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक भी पंचायतों में बैठे, इसके भी निर्देश जारी किए हैं। तो गांवों में समुचित विकास हो और गांव के रहने वाले लोगों को सभी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तेजी से काम कर रही है।